हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके पॉइंट। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं वो हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के ऊपर। तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर प्रिपेयर करें, और आपने कितने क्वेश्चंस का सही आंसर दिया प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, दुनिया की सबसे ऊँची मूर्ति किस देश में है? तो दोस्तों आप अपना आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। इसका जो सही उत्तर है वो है भारत में। स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है और ये मूर्ति भारत में है। दूसरा प्रश्न है, स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? ये प्रश्न भी बार बार एग्जाम में आ जाता है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है, और अगर हम मूर्ति के साथ बेस को भी इंक्लूड कर देंगे तब उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों आप अपना आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। इसका जो सही उत्तर है वो है 182 मीटर। अगर हम मूर्ति के साथ उसके बेस को भी इंक्लूड कर देंगे तो इसकी टोटल ऊंचाई 240 मीटर हो जाएगी। तीसरा प्रश्न है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस महापुरुष की मूर्ति है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये स्टैचू ब्रोंज की प्लेट्स का बना हुआ है, और ये प्लेट्स चाइना से मंगवाई गई थी। चौथा प्रश्न है, स्टैचू ऑफ यूनिटी को किस शिल्पकार ने बनाया है? दोस्तों ये प्रश्न भी एग्जाम में आ जाता है, आप अपना आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है राम वंजी सुतार। पांचवा प्रश्न है, स्टैचू ऑफ यूनिटी को किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? दोस्तों ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और इसका जो सही उत्तर है वो है लार्सन एंड टूब्रो। लार्सन एंड टूब्रो कंपनी ने सबसे लोएस्ट बिड लगा के इस कॉन्ट्रैक्ट को जीता था, और स्टैचू की अगले 15 साल तक की मेंटेनेंस भी इसी कंपनी के पास है। छठा प्रश्न है, स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के किस राज्य में है? दोस्तों आप अपना आंसर कमेंट करके बता सकते हैं, और इसका जो सही उत्तर है वो है गुजरात। सातवां प्रश्न है, स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने में कितना खर्च आया है? दोस्तों ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और इसका उत्तर है स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने में 2,989 करोड़ का खर्च आया है, और इस मूर्ति को बनाने का जो एस्टीमेट था वो 3,000 करोड़ का था, और लार्सन एंड टूब्रो कंपनी ने सबसे लोएस्ट बिड लगा के इस कॉन्ट्रैक्ट को जीता था। आठवां प्रश्न है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे बना हुआ है? दोस्तों आप अपना आंसर कमेंट करके बता सकते हैं, और इसका जो सही उत्तर है वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे बना हुआ है। नौवां प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल किसने दिया था? दोस्तों ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो एग्जाम में आ सकता है, और इसका उत्तर है महात्मा गांधी जी ने। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी थी। दसवां और लास्ट प्रश्न है, स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किसने किया था? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपने कमेंट करके बताना है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।